किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं बहनों, पहले तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार राहुल गांधी जी दौसा आए हैं तो जोरदार तालियों से राहुल जी का स्वागत करें। उनको लगना चाहिए कि दौसा आने का स्वागत अलग है। आज इस चुनावी सभा में मैं राहुल जी का स्वागत करता हूं और आप सब जानते हो 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं। इन चुनावों में हमें राजस्थान के 5 साल का भविष्य तय करना है। साथियों, आपको तय करना है दो दल, एक भाजपा और एक कांग्रेस। 3 मापदंड होने चाहिए, नीति, नियत और नेतृत्व। और तीनों मापदंडों में कांग्रेस की नीति बेहतर, कांग्रेस की नीयत बेहतर और कांग्रेस के नेता बेहतर, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है, इन्होंने क्या दिया? कमर तोड़ महंगाई, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून, नोटबंदी, फौज की भर्तियों को खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया। किसान, नौजवान, महिला, हर व्यक्ति आज पीड़ित है, परेशान है, बदलाव चाहता है। और बदलाव अगर होगा तो कांग्रेस वो विकल्प है जो देश भर में भाजपा को हरा के 2024 में वहां सरकार बना सकती है। ये लोग भाषण देते हैं डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। एक इंजन तो हमने फेल किया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन सीज कर दिया कर्नाटक में राहुल जी ने, और 24 में पूरा इंजन ही डबल बन जाएगा 2024 में। मैं तो आप लोगों का आह्वान करने आया हूं, आज हम सब राहुल जी को सुनेंगे। लेकिन ये वो धरती है, राहुल जी मुझे याद है जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने टिकट दिया 2004 में, मैं उस वक्त 26 साल का था। और इसी दौसा में यहां पर मेरे लिए चुनाव में वोट मांगने आदरणीय सोनिया गांधी जी आई थी, उस मीटिंग को मैं नहीं भूल सकता। उस मीटिंग का जो संदेश गया था और आप सबका आशीर्वाद मिला था, उसी के कारण आज हम सब लोग यहां बैठे हैं। मैं याद करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं संगठन को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जिन्होंने हमेशा हम लोगों का, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है। ये दौसा कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहां पर आपके असीम प्रेम और प्यार से कांग्रेस हमेशा ताकत में आई है। आपने हमेशा वोट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया है। 25 तारीख को वोट होगा, हमारे तमाम उम्मीदवार बैठे हैं, ममता जी, ओम प्रकाश जी, खटाना जी, मुरारी साहब, प्रसाद लाल जी भी, हम सब आपके बीच सेवा करते आए हैं। 25 तारीख को सारी बातें भूलकर कांग्रेस की पहचान ये हाथ का निशान है, इस पर बटन दबाकर भारी बहुमत से आप कांग्रेस पार्टी को जिताएं। दोस्तों पूरे देश में आज बदलाव है। जहां वोट पड़ गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो प्रचार हो रहा है, अभी प्रियंका जी भी सिकराए आई थी, आज राहुल जी खुद दौसा आए हैं, खड़गे साहब प्रचार कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा को शिकस्त देने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है 25 तारीख को हाथ का बटन जोरदार दबाओ, ताकि दौसा की सारी सीट कांग्रेस पार्टी जीते और दोबारा आपकी सेवा के लिए हम लोग काम कर सकें। राहुल जी, दौसा जिला हमेशा यहां पर किसान, नौजवान अग्रिम पंक्ति में रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चले हैं। जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों ने कांग्रेस को, जो हमारी पुरानी विचारधारा है, 130 साल पुरानी पार्टी है, सबको साथ रखा है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम सब लोग ये छोटा मोटा यहां टीका टाकी करते रहते हैं, लेकिन मिलजुल कर लड़ेंगे और 25 तारीख को हाथ के निशान में बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और दौसा में आगमन पर उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा आप दोनों हाथ जकड़कर बताओ कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताएंगे 25 तारीख को।